इंदौर के कनाड़िया इलाके में प्राइवेट कार कंपनी के यार्ड के खड़ी चार इको कारों के साइलेंसर चोर खोल ले गए। इसका पता तब चला जब एक कार की डिलीवरी देने के लिए वर्कर ने उसे स्टार्ट किया। देखा तो इस कार के अलावा और भी 10 कारों के साइलेंसर गायब थे। चुराए गए साइलेंसर की कीमत लाखों में है। इस कीमत में आप नई कार खरीद सकते हैं। इको कार के साइलेंसर में प्लैटिनम मेटल का यूज होता है। माना जा रहा है कि इसी मेटल की वजह से इन साइलेंसर्स की चोरी की गई है। आपको बता दें कि प्लैटिनम चांदी से मिलता जुलता मेटल है। शुद्ध प्लैटिनम ग्रे कलर का होता है। प्लैटिनम बहुत कम पाया जाने वाला है और महंगा मेटल है। 10 ग्राम प्लैटिनम की कीमत लगभग 22,000 के आसपास होती है। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। SI बलराम सिंह रघुवंशी के मुताबिक घटना टिगरिया राव की है। यहाँ रुकमणी मोटर्स का यार्ड है। कंपनी यहाँ नई कारों को लाकर रखती है। कंपनी के अधिकारी जितेंद्र मेहता ने बताया कि 3 सितंबर को उन्हें एक कार की डिलीवरी देनी थी। एक दिन पहले रात में ही उन्होंने स्टाफ को टिगरिया राव कांकड़ स्प्रिंग वैली स्कूल के पीछे कनाडिया रोड के यार्ड में कार लेने भेजा था। यहाँ से जब स्टाफ ने कार निकाली तो गाड़ी ने स्टार्ट होने पर जोर से आवाज की। चेक करने पर उसका साइलेंसर गायब मिला। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि यार्ड के CCTV कैमरे पहले से बंद हैं। साथ ही 2 गार्ड के बदले एक ही गार्ड यहाँ ड्यूटी कर रहा है। पुलिस कंपनी के गार्ड और स्टाफ से पूछताछ कर रही है। आसपास के कैमरे भी तलाशे जा रहे हैं। संभवतः क्लेम को लेकर भी कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। पिछले कुछ महीनों में इको कारों से साइलेंसर चोरी के मामले बढ़े हैं। यार्ड के मैनेजर सद्दाम के मुताबिक इको कार में लगने वाले एक साइलेंसर की कीमत 78,000 के लगभग आती है। इसमें प्लेटिनम मेटल यूज होता है। इसे निकालने के बाद चोर इसे बाजार में बेच देते हैं। चुराए गए 11 साइलेंसर की कीमत 8.5 लाख रुपए है। आसपास जाकर घटनास्थल पर जो है निरीक्षण किया था। घटनास्थल के आसपास कैमरे नहीं लगे होने के कारण उनके CCTV फुटेज प्राप्त नहीं हो सके। यार्ड पर कुछ कैमरे लगे हुए थे लेकिन वो कैमरे बंद पाए गए। तो इस संबंध में जो है कंपनी मैनेजर को भी बताया गया है कि कैमरे जो है चालू रखें।